ओके गाइस, सो मैं पूरा प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ मेरी ट्रिप के लिए। ओके गाइस, सो सुबह के 6 बज रहे हैं और अनुराग का कॉल ऑलरेडी आ चुका है। वो कुछ 10 मिनट में मुझे पिक करने वाला है। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं जो मुझे फटाफट से अपने बैग के अंदर डालने। मैंने सुना है कि ऋषिकेश में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, सो सबसे पहले तो मैं अपने थर्मल्स चेक करूँगा। सो ट्रिप में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोअर्स ही प्रेफर करता हूँ। सो ये गए लोअर्स अंदर। ये मेरी कुछ स्वेट शर्ट्स हैं एंड हुडीज हैं, एक प्लेन टी शर्ट भी बनता है, वॉलेट ऑब्वियसली, मेरा मास्क एंड सैनिटाइजर, इसको कैसे भूल सकता हूँ, मेरा गोप्रो फोन चार्जर जो गोप्रो का चार्जर भी है। सो गाइज, आई एम ऑल सेट नाउ। ऑलराइट गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है एक्चुअली, पिंकू इस ट्रिप में नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसका एक वैलिड रीज़न है। उसकी क्लासेस चल रही है और सैटरडे संडे उसकी क्लासेस चलती है। सो अपनी क्लासेस में कोई मिस नहीं करना चाहता क्योंकि स्पेशली वीकेंड्स में अगर वो क्लासेस मिस करेगा तो उसका काफ़ी ज़्यादा कोर्स पीछे छूट जाएगा। सो कोई नहीं पिंकू, नेक्स्ट ट्रिप पक्का तेरे साथ होगी ही होगी, तुझे पता है ब्रो। थैंक यू ब्रो, बाय। और मेरी ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं जाऊँगा उससे मिलने के लिए, कुछ 100 मीटर दूर है उसकी गाड़ी, एंड लेट्स गो। ओके गाइस, सो ये है हमारी होंडा सिटी। ये बैठा है अंदर अनुराग। अनुराग से हाय टू माय फ्रेंड्स। हेलो भाई, ये अलग ही है भाई, ये अलग ही चमकता है। सार भाई, यो ब्रो, सब सही? एकदम बेस्ट ब्रो, एलवी लाजपत नगर। क्या था मेरा भाई? बहुत सही भाई, सब सही यार। हम फाइनल अपने रिजॉर्ट की पार्किंग में पहुंच चुके हैं, ठीक है। वहां से हमारा जो पार्किंग का बंदा है, ठीक है, वो आने वाला है और हमने पार्क कर लिया है यहाँ पे। ओह गॉड, अनुराग से चाबी लेनी तो मैं भूल ही गया। Keys, keys. Yep, I can. Let's see. So guys, ये हमारा रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं, मुझे मत देखिए, रेस्टोरेंट को देखिए, ठीक है। और हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर करने वाले हैं। ऑर्डर करने के लिए हैं मेरे ये दो दोस्त, हमें मटन खाना है, हमें चिकन खाना है, एक को मटन खाना है, एक को चिकन खाना है। मुझे भी नहीं पता क्या खाना है, पर जो भी आएगा मैं वो खा लूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी है। इट्स बीन ऑलरेडी 8 आवर्स ऑफ जर्नी। अनुराग को राइस पसंद है, तुषार को करी पसंद है, सो स्टिल कन्फ्यूजन। 15 मिनट से डिस्कशन चल रहा है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तुषार की अलग चॉइस है, अनुराग की अलग चॉइस है, मेरी अलग चॉइस है। तुषार की चॉइस सुनिए आप। ये देखिए, सो गाइस, ये है हमारा पैक्ड वाटर और ये है हमारा नेचुरल वाटर। सी, अभी लंच हो चुका है और मैंने डाले हुए पानी के अंदर पैर, और आप देख सकते हैं ये व्यू। ये तुषार कर रहे अपनी फैमिली से बात और मैं कर रहा हूँ आपसे बात। अच्छा, तो बहुत रिलीफ मिल रहा है, जितनी भी मेरी 8 घंटे की थकान थी वो सारी की सारी दूर हो चुकी है।
शाम को काफी पिला दे। सो गाइस, 4 बज चुके हैं और 4 बजे की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तो शार जी अपनी कॉफ़ी को स्टर कर रहे हैं और ये देखिए गाइस चेयर्स कर रहे हैं। अनुराग क्या कर रहे हैं आप? हिंदी हिंदी सी हे भगवान, ये नहीं चाहिए यार, इसके अलावा कुछ भी गुनगुनाओ। ये देखिए, थैंक यू सो मच अनुराग। जनरल स्नैक टाइम गाइस, सो अभी मंचूरियन चल रहा है, बॉनफायर भी प्रॉपर, और तुषार जी ठूसने में लगे हुए हैं। सो गाइस, हम तीनों रेडी हो चुके हैं और तुषार भी रेडी हो चुका है, अनुराग भी रेडी हो चुका है और हम निकल रहे हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए। दीज ऑप्शंस आर एक्चुअली इन ब्रेकफास्ट। एक्सेलेंट चॉइस तुषार। Are you liking it? How's it taste, man? Tastes काफी अच्छा है यार। So do you recommend your subscribers to this hotel and to this beautiful morning breakfast? Yes, of course. Experience तो अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है। अंदर मेरा कैसे है? And how much rating you want to give? 10 out of 10 यार। Okay. तेरा क्या है सा? 10 है सा। चलो। Let's enjoy the breakfast. Yep. उससे पहले क्या करोगे बीच में भाई? Traveling. So guys, निशांतम से तो हम चेकआउट कर चुके हैं। सो मैं रेकमेंड करूंगा कि वो जो होटल की प्रॉपर्टी है वो बहुत ही फाइनेस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। खाने से लेके, पीने से लेके, सोने से लेके, मैट्रेसेस से लेके, हर चीज़ से लेके, व्यू से लेके, इट्स एक्चुअली अ फाइनेस्ट प्रॉपर्टी। तूने वसूला? हाँ, मैट्रेस मैंने ही वसूला है। इस साल मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो कैसे वसूला है। ऑलराइट गाइस, सो सबसे बड़ी जो परंपरा है वो ये है। सभी का मैम मेरे ड्राइंग रूम और आप सेशन में। सो गाइज, मेरे साथ था गोप्रो और मेरे तीन दोस्त। सो मैंने करी फुल टू मस्ती वहाँ पे, ठीक है। हालांकि इतनी मस्ती करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मुझे शूट भी करना था और फन भी करना था, ठीक है। और थे सिर्फ दो दिन में से सारा टाइम तो ट्रैवलिंग में ही निकल गया था, बट जितना भी टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड करा हमने फुल टू मस्ती करी। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, और निशांतम रिजॉर्ट में हम रुके थे। रिजॉर्ट के बारे में मुझे मेक माई ट्रिप के थ्रू पता लगा। सो अगर आप कभी ऋषिकेश जाते हैं और अगर आपको व्यू चाहिए, आपको एक लग्जूरियस रूम चाहिए, ठीक है, और आप प्रॉपर डाइनिंग चाहिए, सारी एमिनिटीज चाहिए, सो यू कैन कंसिडर निशांतम प्रॉपर्टी। वैसे अगर आप ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला में खड़े हैं तो उससे कुछ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो ये मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग था, ठीक है। इसके बाद काफ़ी ट्रैवलिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो इन केस यू लाइक दैट कंटेंट, यू कैन ऑलवेज गो एंड लीव अ थम्स अप, कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये वाला जो व्लॉग था वो शेयरेबल है, प्लीज़ गो एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी क्यूरियस। हैप्पी वाइब्स।